दिक्कतें क्या क्या होती हैं आपको, मतलब रोज रोजमर्रा की लाइफ में? मुझे घर में झुक के निकलना पड़ता, झुक के रहना पड़ता, घर छोटे छोटे हैं और खाने पीने में दिक्कत, पेट भर खाना नहीं मिल पाता घर में, ये भी समस्या है। तो डाइट मतलब जैसे 17-18 रोटी होती हैं तो अपने लिए नाकाफी होती हैं या कि उतने में पेट भर जाता है? उतने अब जब नहीं है तो घर उतने पेट भरना पड़ता है। सीरीज फोन पे चलाते हैं, नहीं चलाते हैं? नहीं, नहीं चलाते हैं। अकाउंट नंबर को यू आपका खाता खुलवाए, नहीं खुलवाए? खाता खुलवाए। तो चलिए हम सीरज का जो खाता है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे और ये भविष्य में जो इनके सपने हैं आप जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंट्रीब्यूट ज़रूर करिएगा, क्योंकि सीरज के जो सपने हैं उम्मीद है कि एक दिन पूरे होंगे, बस आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। एक चीज़ और यार सीरज, सब लोग जैसे सबकी उम्र होती है, अब तुम 18 साल के हो गए हो, 19 के हो गए, 20, 22, 23, 25, तो शादी की भी लगती होगी यार, कि शादी की तुम्हारे लिए शायद कोई लड़की बनी हो, तो कभी दिमाग में ख्याल आता है? ये नहीं आता है, ये चीज़ें नहीं आती हैं। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे चाचा जी, कि शादी वादी की जब चर्चा चलती होगी तो आपके दिमाग में कुछ आता होगा? अभी कोई शादी की चर्चा हमारे सामने नहीं। नहीं, दिमाग में तो आता होगा कि सीरज की लंबाई बहुत ज्यादा है। दिमाग में तो आता है कि इसकी लंबाई इतनी हो गई है तो इसकी शादी कैसे होगी। जब अगर इसकी शादी में जाएंगे मंडप के नीचे तो कहेगा कि लड़का कितना लंबा हो गया। बिल्कुल खली भी देखेंगे आप, लेकिन सीरज हम हमेशा कहते हैं, अभी भी कहेंगे, हमेशा तुम्हें उत्साहित रहना है, जोश में रहना है। खली को आप देखते हो कितनी खूबसूरत पत्नी है उनकी, देखी नहीं? देखी आपने? ना देखा हो तो इंटरनेट पर दोबारा सर्च कर लेना। तो बस आपको अपने सपनों को पाना है, उसके बाद हर चीज़ मिलेगी आपको, गाड़ी से लेके पत्नी से लेके सब चीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो मेहनत लगातार करते रहिएगा। और ये बताइए, जैसे जब विद्यालय में रहे हो आप, अभी अभी पढ़ाई चालू है या बंद कर दी है? चालू है। क्या कर रहे हो अभी? अभी बीए भी आईटीआई फाइनल। अच्छा, बीए कहाँ से कर रहे हो? बीए पचपारा। पचपारा से कर रहे हो, तो वहाँ पर भी जाना होता होगा, वहाँ पर भी कॉलेज के लड़कों से मिलते होंगे, तो फ्रेंड सर्कल अच्छा है, सबसे अच्छी बनती है, कोई ऐसा भी है कुछ कहता हो? कहते हैं लोग, कहते रहते हैं, क्या करें। तो उन्हें एक संदेश दे दीजिएगा, हम भी कहेंगे जो लोग हैं जो सीरज को देख रहे हैं, आप सोचिए, आप कॉलेज तक सीमित थे, कॉलेज में ही रहते, लेकिन सीरज को आज अपना हमीरपुर जिले से लेकर बुंदेलखंड के लोगों से लेकर पूरे भारत के लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते वो आने वाले दिनों में जानने वाले हैं। तो आप सीरज से जितना बेहतर कह सकते हैं, जितना बेहतर उनके बारे में कह सकते हैं वो कहिएगा, क्योंकि कल के दिन सीरज भी बड़े पर्दों पर छाएंगे, खली की तरह इनका भी नाम होगा। तो आप सोच समझ के जो भी कहना है कहिएगा, क्योंकि कल के दिन आप ही लाइन लगाकर खड़े होंगे सीरज के साथ एक सेल्फी खिंचाने के लिए। ये बताइए सीरज, गांव के लोग भी बहुत आते होंगे जब तुम्हारा अखबारों में नाम हुआ, सब जगह नाम हुआ, कि हमें सेल्फी लेनी है, ये करना है, वो करना है? बिल्कुल, रुकाते होंगे रास्ते में, तब तो थोड़ा अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है, पर कोई कोई बुरा बोल देता है। तो ये पता है दुनिया में क्या होता है, जो दुनिया वाले हैं वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे कहेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी जो प्रतिभा है उसको आगे लेके जाना है, अपने सपनों के पीछे दौड़ते रहना है, दुनिया एक दिन अच्छा कहेगी, जो आज बुरा बोल रहे हैं वो कल अच्छा कहेंगे। ठीक है, और कोई समस्या होती हो गाँव में, कुछ और लोग कहते हो या तुम्हें और कुछ सुनने में चीज़ें आती हो? कहते हैं तो लोग क्या करें, लोग कुछ अच्छा भी कहते हैं, कुछ बुरा भी कहते हैं। माता पिता क्या कहते हैं, कभी कभी चिंतित भी हो जाते होंगे? हाँ, रोटी आटा खाना पीना को लेकर माँ जी परेशान भी होती होंगी, कितना सारा आटा लगा लिया है। तो चलिए, हमारे साथ सीरज है जिनसे हम लंबी वार्ता कर रहे थे, लंबी बातचीत कर रहे थे। ये बताइए पता दीजिए, जब गांव के लोग ऐसा कुछ कहते तो आप लोग भी उन्हें कहते होंगे, समझाते होंगे? नहीं समझाते हैं, ये इसलिए देख है लंबाई, ये सभी को नहीं, हमें कुछ ना मिल जाए, बताइए सब लोग, कुछ लोग जो है ये सभी को नहीं मिल सकती, कुछ ना कुछ खली की प्रतिभा है जो आगे चलकर नाम रोशन करेगी, और जो आज हंसी का पात्र है उसी के लिए हम लाइन लगाएंगे कि खली के से हम भी मिलने की, हम भी मिलने, तो हमें गांव का नाम जब रोशन करेगा, बिचौली के नाम से जाना जाएगा खली, जिस तरह आज हरियाणा से खली जी हैं, जिस तरह आप यूपी के, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश से जो खली जी अपने, तो इसी तरह चौली गांव का भी नाम होगा, हमीरपुर जिले का भी होगा और यूपी का होगा, और यूपी का भी होगा। और हम चाहेंगे कि माननीय योगी जी से, इस प्रतिभा को जो अपने छोटे से गांव में पड़ी हुई है उसको तराशने की जरूरत है, और यदि माननीय योगी जी सहयोग करेंगे तो प्रतिभा जरूर आपके प्रदेश का नाम रोशन करेगी। बिल्कुल, तो हम चाहेंगे जितने लोग हैं, एक बार फिर से आप सीरज खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाते हैं, और सीरज की लंबाई फिर से आप लोग आगिएगा, कितनी ज़्यादा लंबाई है, इनके मित्र भी हैं जो साथ में खेत में साथ दे रहे थे। कौन है जिसकी बोतल का पानी सीरज ने पी लिया है? इनकी बोतल का पानी सीरज, बोतल एक बार में पूरी बोतल टका दी, बार में पूरी बोतल उठा लीजिएगा, कौन सी बोतल थी, थोड़ा 1 लीटर वाली है, कौन सी बोतल है?
अच्छा 2.5 लीटर वाली, ये देखिएगा हमारे बुंदेलखंड में ये चीज़ बड़ी खास होती है, ये जो पेप्सी वाली बोतल होती है इस पर कपड़ा चढ़ा लिया जाता है और इस पर पानी डाल दिया जाता है, तो ये रेफ्रिजरेटर का फ्रिज का काम करती है। क्योंकि जब आप देखेंगे खेत खाली हो चुके हैं, कटाई हो चुकी है, ऐसे में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, तब सभी लोग इस बोतल का इस्तेमाल करते हैं। पहले जो कुम्हड़िया बोलते हैं माता दीन जी, जो कुम्हड़ा जो लौकी होती है, लौकी को भी खाली करके बीज बीज निकाल के सुखा के उसमें पानी भरते थे, लेकिन नए लड़के हैं तो जो पेप्सी आती है पेप्सी में पानी भर के इसको नए छलन में ले आते हैं। तो सीरज जी ने एक ही बार में बोतल को खाली कर दिया था, ऐसे ही है जी, कर दिया था खाली एक बार में। आप दोबारा भर के लाए? दोबारा भर के लाए, नल से भरा है इधर से। ये बताइए यार, आप लोग तो ताना नहीं देते हैं सीरज जी? कभी नहीं ताना जी, कभी नहीं ताना दे सकते। पक्का? पक्का, हमेशा साथ देते हैं कि जैसे खली है वैसे आप हमारे खली हो। हाँ, हमारे खली हो, हमारे देश का नाम रोशन होगा, तरक्की होगी, हमारे मोहल्ले का नाम रोशन होगा, पूरे हमीरपुर जिले का नाम रोशन होगा। क्या बात है। आप लोग क्या करते, पढ़ाई करते नहीं? हमने 9वीं तक पढ़ाई की, फिर पढ़ाई चालू। आप लोग? 12 है 10, बस उसके बाद बंद कर दी? चालू है, चालू है, सबकी चालू है जी। चलो बढ़िया। तो ये बताओ, जब भैंसे चराते हो तुम लोग तो डिस्कशन भी होता होगा बैठ के, क्यों सीरज? हाँ, लोग बैठते रहते हैं। गुटखा भी खाते हो यार तुम? गुटखा छोड़ना चाहिए तुम्हें। ये बात जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा। अच्छा, कि सीरज जी गुटखा बंद कर दीजिए, गुटखा खाते हैं। जिलाधिकारी ने स्वयं उनको फिजिकली बताया कि किस तरह व्यायाम करना है, क्या करना है। हम साथ में थे सीरज जी के, जिलाधिकारी महोदय ने बहुत गाइड किया इनको और फिजिकली बताया अपने ऑफिस में ही कि किस तरह आपको व्यायाम करना है, क्या करना है, सुबह कितनी समय टहलना है, कौन कौन से योग कर व्यायाम करने हैं, ये सब जिलाधिकारी महोदय ने बताया। सीरज जी, अब फिर से हम चाहेंगे कि जो खली जी आपको देखे, योगी जी आपको देखे, उनको एक संदेश आपका, उनसे अपील, योगी जी से क्या अपील करेंगे, खली जी से क्या अपील करेंगे? बिल्कुल, दैनिक जागरण भी, क्योंकि माता दीन जी है, सबसे पहले उन्होंने खबर छापी है आपकी। ये मेरे दैनिक जागरण वाले खबर छापी, इन्होंने मेरा नाम बिल्कुल उसमें किया। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि मेरा सहयोग करें कि मैं भी आगे बढ़ सकूँ, मैं भी खली जी जैसे नाम रोशन कर सकूँ। बहुत बढ़िया। तो खली जी भी अगर देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी, तो सीरज की जो मदद हो सकती है वो आप ज़रूर करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में जो सीरज का बैंक अकाउंट है वो भी हम दे देंगे, जितने लोगों को अगर लगता है कि हमें सीरज की मदद करनी चाहिए तो आप लोग मदद कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग जनता का राज देख रहे थे, अगर हमारी खबरें पसंद आती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस प्रतिभा को दूर दूर तक शेयर करिएगा। क्योंकि अभी जो लोग ताना मार रहे हैं, कल के दिन जब अपने सपनों को पाएंगे तो उसमें हम सब का हाथ होगा, पूरे हमीरपुर वासियों का, पूरे देशवासियों का। और कल के दिन हमारे हमीरपुर के खली भी खली के नाम से नहीं, सीरज पाल के नाम से जाना जाएंगे और पूरे देश का, पूरे बुंदेलखंड का और पूरे हमीरपुर का और ख़ासतौर पर एचोली गाँव का नाम रोशन होगा। थैंक यू।